असलम ज़हा का बहुत ही खूबसूरत सा लेटेस्ट आर्टिकल इन स्टॉक आया है ब्राइडल कलेक्शन में ठीक है सेम एज़ औरिजनल ड्रेस है मास्टर किंग कॉपी में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आए मैं आपको इसकी डिटेल बताती हूँ बहुत खूबसूरत कलर है जिस तरह से औरिजिनल में इसके कलर्स हैं प्योर और गेंजा सॉफ्ट और गजा फैब्रिक पे ये आर्टिकल है कम्प्लीट ठीक है या आगे इसके ऊपर की योग लाइट पीच कलर में इसकी योग है ठीक है ये इस तरह से इसकी नेक लाइन बनी हुई है बहुत ही ख़ूबसूरत है इस पे हैंडवर्क है ये सारा कुछ भी गम से नहीं लगा हुआ ये देखिए थ्री डी फ्लार्स हैं इसके अंदर सीक्वेंस बहुत खूबसूरत फ़ाइन क्वालिटी में इस पर पर्ल्स लगे हुए हैं ये इसकी फ्रंट योग की साइड आ गई बैक पे आपको दिखा दूँ कि सारा थ्रेड से काम है ठीक है और ये बैक की योग आ गई बैक पे भी इस तरह से सारा एम्ब्रॉयडरी स्प्रे है और नीचे इस तरह से इसका बॉर्डर बनेगा आप इसको मैक्सी लहंगा दोनों स्टाइल में स्टिच करवा सकते हैं वो आपकी अपनी मर्ज़ी है आप इसको इस तरह से फ्रॉक स्टाइल में भी स्टिच करवा सकते हैं बहुत खूबसूरत लगेगा आफ्टर स्टिचिंग कलर भी बहुत फाइन है डबल शेड में ये आर्टिकल है ठीक है ऊपर से लाइट और नीचे से थोड़ा सा डार्कि शेड है ये आगे इसकी फ्रंट की कलियाँ सात कलियाँ इसकी फ्रंट की हैं और सात ही बैक की हैं फुल हैवी इसके ऊपर सारा काम है ठीक है कंप्लीट यानी कि चौदह कलियाँ सात फ्रंट की और सात बैक की ये ऑल ओवर ऊपर से नीचे तक सारा हैंड एम्बेलिशमेंट का काम है ये देखें बहुत ही फाइन ठीक है और नीचे ये डार्क टोन में आ गई डार्क कलर में इसका जो इनर लगेगा वो भी डबल शेड में डाई होगा ये देखें बहुत खूबसूरत सात कलियां हैं और फुल हैवी इस पर सारा काम है अभी मैं आपको इसको सेट करके दिखा देती हूँ ये देखें मैंने सामने ही सेट कर दिया है सात कलियां फ्रंट के ऊपर इसकी योग है आप इसको लहंगा मैक्सी दोनों स्टाइल में स्टिच करवा सकते हैं हैवी ड्रेस है फोर ब्राइडल वेडिंग वेयर ये देख सकते हैं सेम कलर है जिस तरह से ओरिजिनल में आपको नज़र आ रहा है ठीक है इसके बाद आ गई इसकी बैक की कलियाँ बैक पे भी इसकी साथ ही कलियाँ हैं लेकिन बैक पे इस तरह से सारी एम्ब्रॉयडेड कलियाँ हैं इस पे सारा तिला वर्क है बहुत ही नीट फाइन क्वालिटी में पर्ल्स का काम है सीक्वेंस थ्रेड और तिले का काम है ये सात कलियाँ आ गई बैक की ये सॉफ्ट और गेंज़ा फैब्रिक है ठीक है सेम फैब्रिक पे आगे इसके स्लीव्स, फुल हैंडमेड इसके स्लीव्स हैं ये देखें जब आप ऑर्डर करेंगे इंशाल्लाह आपको सेम ही चीज़ मिलेगी और जब लाइव आप देखेंगे जब आप ऑर्डर करेंगे आपके सामने चीज़ आएगी डेफिनेटली आपको वीडियो से ज़्यादा सामने पसंद आएंगी ठीक है ये आगे इसके स्लीव्स बोथ साइडेड इसके स्लीव्स हैं सेम अब आ गया इसका ब्रीज़े नेट दुबट्टे में ब्रीज़े नेट फैब्रिक में दुबट्टा ये देखें सेम कलर में इसका दुबट्टा है ये इस तरह से एम्ब्रॉयडरी स्प्रे है सॉफ्ट और साइड पे इस तरह से हैंड एम्बेलिशमेंट के साथ इसके बॉर्डर बने हुए हैं बोथ साइडेड ये देखें ठीक है साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो यहाँ से कटिंग हो जाता है अब आ गए इसके बोथ साइडेड पल्लू फुल हैवी हैंडमेड इसके पल्लू हैं ये ये देखें ठीक है पल्स का काम है हैंडमेड वर्क है सारा थ्री डी फ्लावर्स हैं ये इसके दुपट्टे के छोटे पल्लू आ गए दोनों साइड के ये वाले इसके बाद अगर आप लगवाना चाहें इस पर हैंगिंग टसल्स या हैंगिंग लेसेस वगैरह ऐड करवा सकते हैं अदरवाइज ये फुल हैवी है इसमें मज़ीद और कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती डार्क कलर में आ गया इसका ट्राउज़र ठीक है रॉ सिल्क फैब्रिक में और इसके बाद आ गया इसका पैच ठीक है जब आप नीचे इनर लगवाएंगे ऑल ओवर ऊपर से नीचे तक तो ये आप मैक्सी या लहंगा जो भी बनवाना चाहते हैं ये उसकी बॉर्डर पट्टी है ये फ्रंट की है ये 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 पट्टी मैं आपको दिखा रही हूँ जो नीचे नजर आ रही है ना मैक्सी यहाँ तक बनी हुई है और नीचे ये बॉर्डर पट्टी फ्रंट की आ गई और ये आ गई बैक की पट्टी ठीक है कंप्लीट मैंने आपको जहाँ का बहुत ही खूबसूरत सा लेटेस्ट आर्टिकल दिखा दिया थैंक यू